व्यक्ति का पतित होना इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि गिरे हुए व्यक्ति उठने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपना भी कल्याण कर रहा है ज्ञान प्राप्ति के अनुसार और अपना आचार व्यवहार से, और दूसरे लोगों को भी कल्याण करने के हेतु तो प्रेरित कर रहा है। एक बौद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को भी नमन करते हुए, निग्रोहा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर दिल्ली से पधारे हुए श्रद्धेय अनिल कुमार जी, डॉक्टर चंद्रकांता सिंह माथुर, श्रद्धेया नीलम बौद्ध जी जो बहुमुखी प्रतिमा की धनी है, आप सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और मीडिया के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका में हैं, और आपके जीवन साथी श्रद्धेय जयप्रकाश, एडवोकेट जयप्रकाश गौतम जी भी उनके साथ सहयोग करते रहते हैं। साथ ही मेरे साथ आगरा से आए हुए श्रद्धेय डॉक्टर एस वी सागर जी, दूसरे हमारे अन्य साथी डॉक्टर साहब, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई श्रद्धेय हरीश एडवोकेट जी, हरीश कुमार एडवोकेट जी, साथ ही उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के सभी बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं और बहनें, चूंकि ये कार्यक्रम बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है, तो मैं अपने विचार बुद्ध धर्म से संबंधित ही केंद्रित करूंगा अपने विचार। हम सभी को मालूम ही है, सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करने के बाद लगभग 6 साल की तपस्या करने के पश्चात जब बुद्धत्व प्राप्त किया, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं जनता को दूं, जिससे कि जनता लाभान्वित हो। तो सबसे पहले उनके समक्ष प्रश्न आया कि सबसे पहले मैं किसको ज्ञान दूं, तो सबसे पहले तथा गौतम बुद्ध ने आलार कलाम नाम के जो एक उस समय के विद्वान थे उनको ज्ञान देने के बारे में सोचा। जब जानकारी प्राप्त हुई तो मालूम पड़ा कि वो इस संसार में नहीं है। फिर दूसरे एक ज्ञानी रामसुत, जिनसे भी तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, कुछ शिक्षा ग्रहण की थी, उनको ज्ञान देने का निश्चय किया, पर जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि वो भी संसार में नहीं है। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनके साथ 5 परब्राजक थे उन्हीं के जनपद के, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम के साथ तपस्या की थी, परंतु सिद्धार्थ गौतम ने जब कठोर तपस्या का मार्ग त्यागा तो वो उनसे रुष्ट होकर उनसे अलग हो गए थे। तो जानकारी करने पर वो सभी 5 परब्राजक मिल गए। तथागत ने उनको संदेश भिजवाया तो पहले तो वो नाराज हुए, फिर बाद में सहमत हो गए। सहमत होने के बाद
तथागत बुद्ध ने उनको सारनाथ में प्रथम धम्म देशना देने का निर्णय लिया। पांचों परब्राजक वहां उपस्थित हुए तो तथागत ने से उन्होंने पूछा कि आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, आपका कौन सा धर्म है, उसके बारे में हमें अवगत कराएं। तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया कि मैंने जिस धम्म की खोज की है या जिस मार्ग की खोज की है, मेरा सद्धम आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, न मेरा सद्धम इस बात में विश्वास करता है कि मरने के पश्चात जीवन का क्या होता है। मेरे सद्धम में कर्म कांडों से संबंधित कोई क्रियाएं नहीं होती हैं। मेरे सद्धम का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। संसार के एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किस तरह का संबंध हो, मेरे धम्म का वही सार है। उन्होंने कहा यह मेरे धम्म की प्रथम अवधारणा है। दूसरी बात जो तथागत बुद्ध ने उनको बताया कि संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी है, सबका कष्टमय जीवन है, सभी लोग कष्ट से पीड़ित हैं। सद्धम मनुष्य के दुख को दूर करने का मार्ग बताता है कि हम व्यक्ति अपने दुखों को कैसे दूर कर सकता है। परवराजकों ने पूछा कि तथागत ठीक है, आप आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, आपके सद्धम का केंद्र बिंदु मनुष्य है और आपकी एक धारणा है कि संसार में दुख है और दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है और उनका धम्म दुख दूर करने का रास्ता बताता है। तो उन्होंने पूछा कि आपका धम्म व्यक्ति को दुखों से मुक्त होने का क्या रास्ता बताता है, उसके बारे में हमें बताएं। तथागत बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति यदि निर्मल मार्ग पर चले, जीवन में निर्मलता के मार्ग पर चले, दूसरा धम्म परायणता के मामले में चले और तीसरा वो सीलों का पालन करे तो उसके जीवन से कष्ट खत्म हो सकते हैं और उसका जीवन सुखमय बना सुखी हो सकता है। उन्होंने विस्तार से बताया तथागत ने कि निर्मलता का पथ क्या है, निर्मलता का पथ क्या है। तथागत ने बताया कि व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन आदर्श का कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए, उस मापदंड के सहारे वो ये निर्णय कर सके कि मैंने कौन से कर्म अच्छे किए हैं और कौन से कर्म बुरे किए हैं, वो निर्धारण कर सके। ये आदर्श होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई आदर्श का मापदंड नहीं है तो उसका जीवन कभी भी सुखमय हो नहीं सकता, और जिस जो व्यक्ति अपने जीवन के आदर्श मापदंड अपनाता है उसका जीवन सुखी हो सकता है। उन्होंने आदर्श जीवन के 5 मापदंड बताए जिन पर चलकर व्यक्ति अपने दुखों को दूर कर सकता है। सबसे पहला मापदंड बताया उन्होंने कि व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, किसी को कष्ट नहीं देना है। दूसरा मापदंड बताया तथागत बुद्ध ने कि व्यक्ति को किसी की चीज बिना उसकी अनुमति के नहीं लेनी है,
यानी कि किसी को चोरी नहीं करना है। तीसरा मापदंड बताया कि व्यक्ति व्यभिचारी मतलब चरित्रहीन नहीं हो। यदि व्यक्ति चरित्रहीन होगा तो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे। चरित्रवान बनना चाहिए व्यक्ति को, चरित्रवान बनेगा तभी उसके जीवन में कष्ट कम होंगे। चौथा मापदंड बताया कि व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठी बात को कभी समर्थन नहीं देना चाहिए। पांचवा, जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीली वस्तुएं हैं, उनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ये एक तरह से पांच सील हैं। पांच सील ही एक आदर्श जीवन जीने के श्रेष्ठ मापदंड है। इन मापदंडों को अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन सुखी बना सकता है। तथागत बुद्ध ने आगे बताया कि पूरे संसार में, विश्व में पतित व्यक्ति बहुत सारे पतित हैं, परंतु दो तरह के श्रेणी के लोग पतित होते हैं। पतित मतलब नीचे गिरे हुए। एक श्रेणी के पतित व्यक्ति वो होते हैं जिनके जीवन में कुछ मापदंड होते हैं, और दूसरी श्रेणी के वो व्यक्ति पतित व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन के कोई भी मापदंड नहीं होते। जिस व्यक्ति के जीवन के कोई भी मापदंड नहीं है, वो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जिसको यही मालूम ही नहीं है कि मैं पतित हूँ, तो वो जो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं पतित हूँ, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, तब तक वो ऊपर उठने का कोई प्रयास नहीं करेगा। परंतु जिस व्यक्ति को के कुछ मापदंड है, उसे मालूम है कि मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, तो वो यदि मापदंडों पर का पालन करेगा तो वो ऊपर उठ सकता है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है और वो सुखी हो सकता है। तथागत ने कहा कि व्यक्ति का पतित होना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि गिरे हुए व्यक्ति उठने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। गिरते तो गलतियां होती हैं लोगों से, परंतु गलती सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तथागत ने व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने के लिए पंचशीलों के अलावा श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग और दिया। श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने आठ बातें बताई, उसका अनुपालन करके व्यक्ति अपना जीवन सुखी बना सकता है। श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग में सबसे प्रमुख जो और प्रमुखता से उन्होंने जो बात बताई, वो बताई सम्मा दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है, हमको जो चीज यथास्थिति में दिखाई दे रही है उसको उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने कोई चीज देखी नहीं है, किसी को देखा नहीं है, तो उसके बारे में किसी से सुन के अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए और उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, किसी आत्मा परमात्मा को आते जाते नहीं देखा, किसी देवी देवता को हमने साक्षात रूप में नहीं देखा, परंतु हमें कोई आदमी, चालाक आदमी आके बताता है कि आप ये पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, आपसे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी बात यदि हम किसी दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो वो ये मिथ्या दृष्टि होती है, गलत दृष्टि होती है, ये सम्यक दृष्टि नहीं होती है। तथागत ने कहा कि ये संसार एक कारागार के समान है। पूरा संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं एक कारागार के समान है, और मनुष्य उसमें एक कैदी के समान है। कैदी जैसे काल कोठरी में बंद होता है, छोटी सी कोठरी में, उसकी कोठरी में प्रकाश भी नहीं जाता, तो व्यक्ति बहुत समय से इस काल कोठरी में रहते रहते, अंधकार में रहते रहते, अंधकार का आदि हो गया है, और उसे ये भी नहीं मालूम है कि प्रकाश नाम की कोई चीज है। परंतु प्रकाश है,
अब चूंकि उसने कभी प्रयास करने प्रकाश को ढूंढने का प्रयास नहीं किया तो उसको मालूम ही नहीं है, वो अंधकार में रह रहा है। इसी तरह व्यक्ति भी बहुत कर्म कांडों के, ईश्वर के, आत्मा परमात्मा के अंधकार के जो मान्यता है, झूठी मान्यता है, उन पर विश्वास करके अपना जीवन जी रहा है और अपने जीवन को अंधेरे में रखा हुआ है। तो इस जीवन को प्रकाश देने के लिए आवश्यक है, एक तो आपका मन सुदृढ़ होना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमें श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ मापदंडों का पालन करना है। साथ ही आप में एक संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए आपको, आपको ताकि आपका मन विचलित नहीं हो। जब तक आप में संकल्प शक्ति नहीं होगी तब तक आपका मन विचलित होता रहेगा और आप अपने जीवन में से अपने जीवन को कष्ट से मुक्त नहीं कर पाएंगे। एक अन्य बात मैं बता दूं, वर्तमान समय में विश्व में जितने भी धर्म प्रचलन में है, तीन चार धर्म प्रमुख रूप से हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जिनका राष्ट्रव्यापी स्वरूप है। सभी धर्मों के कहना चाहिए जो धर्म जिन्होंने धर्म की शुरुआत की, उन्होंने अपने अपने धर्मों में अपना एक प्रमुख स्थान निश्चित कर रखा है। चाहे वो ईसा मसीह हो, उन्होंने कहा है कि ईसाइयत ईश्वर है और ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को खुश करना चाहता है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और उनके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। इसी तरह मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी अपने आप को खुदा का पैगंबर, पैगंबर मतलब दूत कहा है कि मैं खुदा का दूत हूं। और व्यक्ति को निजात पाने के लिए, मतलब मुस्लिम धर्म में उर्दू का शब्द निजात यानी अपना कल्याण पाने के लिए, कल्याण करने के लिए उसको, हाँ, व्यक्ति को, हाँ, व्यक्ति को यदि अपने जीवन में निजात पाना है, अपना कल्याण करना है तो उसको पैगंबर साहब की बातें माननी पड़ेंगी। इसी तरह हिंदू धर्म में भी कृष्ण ने अपने आप को एक ईश्वरी माना है और उन्होंने कहा है कि गीता में जो भी उपदेश हैं वो मेरे दिए हुए उपदेश हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों ही धर्म के जो संस्थापक हैं उन्होंने अपने अपने धर्म में अपने लिए एक विशेष स्थान रख लिया है। परंतु तथागत बुद्ध ने कहा है कि मैं किसी ईश्वर का न तो दूत हूँ न किसी ईश्वर का संतान हूँ, मैं अपने माँ बाप से पैदा हुआ एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जिस तरह से आप और अन्य लोग पैदा हुए हैं ऐसे ही मैं शुद्धोधन और महामाया के गर्भ से जना हुआ पुत्र हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस बात को आप मानो, विश्वास करो। उन्होंने कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरो, उसको परखो, उसका परीक्षण करो, जांचो, यदि आपको लगे कि ये सही है तब उसका पालन करो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तथागत ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप उस बात को मानो जो किसी धम्म ग्रंथ में लिखी हुई है या किसी बड़े महापुरुष ने कही हुई है या किसी किताबों में लिखी हुई है, आप उसी बात को मानो जो आपकी बुद्धि, तर्क की बुद्धि पर खरी उतरती है और जो आपके लिए और आपके समाज के लिए कल्याणकारी है। एक बात और कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। बाबा साहब ने अपने प्रसिद्ध धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्मा में व्यक्तियों के आचरण के अनुसार दो तरह के व्यक्ति बताए हैं, एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति और एक श्रेष्ठ व्यक्ति। दुष्ट श्रेणी के व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया है कि कोई कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है जिनको कोई पूछ भी नहीं रहा है
तब भी वो दूसरे लोगों की बुराई कर रहा है, और जब उससे पूछा जाता है तो दूसरे लोगों की बुराई को वो न ढकता है न छिपाता है, परंतु बहुत उजागर करके स्पष्ट रूप से वो कहता है। और जब उससे जब पूछा जाए कि तेरे में क्या बुराई है, तो वो अपनी बुराइयों को छिपाता है, दूसरों की बुराइयों को तो वो उघाड़ता है और अपनी बुराइयों को छिपाता है, परंतु जब उससे पूछा भी नहीं जा रहा है तब भी वो अपने गुणों का बखान कर रहा है कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े अधिकारी हैं, मेरे पे इतनी जमीन जायदाद है, मैं इतना योग्य हूँ, है वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और जब उसको उसके गुणों के बारे में पूछा जाए तो वो उसमें और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है। इसी तरह दूसरी तरफ बाबा साहब ने श्रेष्ठ व्यक्ति उसको बताया, उसमें व्यक्ति की चार श्रेणियाँ रखी हैं। प्रथम श्रेणी में वो व्यक्ति है जो न तो अपना कल्याण कर पाया है न दूसरों का कल्याण करने में सहायक हो रहा है। दूसरी श्रेणी में वो व्यक्ति है जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो न तो ज्ञान प्राप्त कर पाया न अपना कल्याण प्राप्त कर पाया, परंतु उसे मालूम है, शिक्षा का महत्व मालूम है, उसे अपने जीवन के आदर्श कौन कौन से हैं जिस पर चल के व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है वो मालूम है, तो दूसरों लोगों को प्रेरित कर रहा है, तो वो पहले वाले से श्रेष्ठ है। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति वो होता है जो अपना तो कल्याण कर रहा है, अपना उद्धार कर रहा है, अपने परिवार का उद्धार कर रहा है, परंतु समाज के दूसरे लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि मैं ही तरक्की करूं, समाज का दूसरा व्यक्ति मेरे बराबर तरक्की नहीं कर पाए, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति है। चौथी श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की व्याख्या बाबा साहब ने की है, तो उन्होंने बताया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपना भी कल्याण कर रहा है ज्ञान प्राप्ति के अनुसार और अपना आचार व्यवहार से, और दूसरे लोगों को भी कल्याण करने के हेतु प्रेरित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो आज के इस मौके पर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो पांच सीलों का अपने जीवन में पालन करिए, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं जिसमें पांच सील भी हैं उनका पालन करिए, अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आज के बच्चे भविष्य में हमारे देश के और अपने समाज के अच्छे नागरिक बन सकें, अपने देश का समाज का नाम ऊंचा कर सकें।